और स्पेशल रिपोर्ट में बात अब 2024 की। 2024 का रण सजने लगा है, लिहाजा देश में सियासत का ट्रेंड में भी बदलाव होता दिखाई दे रहा है। दरअसल बीजेपी लंबे समय से हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती रही है और उसे इस राह पर चलने का सियासी फायदा भी मिला है। यही वजह है कि बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने भी अपनी पॉलिसी में बदलाव किया है। कांग्रेस ने ये बदलाव इसलिए किया है ताकि बीजेपी को उसी के दांव से मात दी जा सके। देखिए ये रिपोर्ट। 2024 का रण जीतने के प्रण, हिंदुत्व के मुद्दे पर सिमट रही सियासत, बीजेपी से मुकाबले के लिए बदली बदली सी चाल, कांग्रेस की बीजेपी को उसी के हथियार से मात देने की तैयारी। क्या गरम हिंदुत्व पर भारी पड़ेगा नरम हिंदुत्व? बीजेपी से मुकाबला करना आसान नहीं है, इसलिए कांग्रेस कुछ राज्यों में मंदिरों में जाने से लेकर हिंदू प्रतीकों की सियासत करती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक मंदिरों में दर्शन और पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं, ताकि उन्हें और उनकी पार्टी को मुस्लिम परस्त के तौर पर ना देखा जाए। बीजेपी के मुकाबले के लिए कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ ली है। देश की राजनीति इन दिनों हिंदुत्व के इर्द गिर्द घूमते नजर आ रही है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के तकरीबन सभी दल हिंदुत्व के एजेंडे पर अपने कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं। बस फर्क इतना है कि कोई बेधड़क होकर हिंदुत्व के रास्ते पे चल रहा है, तो कोई कुछ संकोच के साथ हिंदुत्व की राह पर चल पड़ा है। आपको बता दें कि कांग्रेस हिंदू को हिंदुत्व से अलग बताती है, जबकि बीजेपी दोनों को एक ही मानती है। ऐसे में अब जैसे जैसे 2024 के लिए सियासी तस्वीर साफ हो रही है, वैसे वैसे तमाम दल हिंदुत्व को लेकर अपना अपना एजेंडा सामने रख रहे हैं। बीजेपी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से उम्मीदें पाले हुए है, तो राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी छत्रप हिंदुत्व को लेकर अलग अलग रणनीति अपना रहे हैं। कमलनाथ के मंच पर कथावाचक बजरंग सेना की उपस्थिति और जय श्री राम का उद्घोष तो राम गमन पथ पर भूपेश बघेल के बढ़ते कदम बताते हैं कि 2024 के सियासी रण में उतरने वाली कांग्रेस पहले ही कांग्रेस से अलग वर्जन वाली होगी, जिसमें हिंदुत्व का पुट तो होगा, सॉफ्ट हिंदुत्व पर अलग रणनीति होगी। हिंदू को धर्म के नजर से देखें तो यह भारत का प्राचीन धर्म है, जिसमें बहुत सारे संप्रदाय हैं। संप्रदायों को मानने वाले व्यक्ति अपने आप को हिंदू कहते हैं। हिंदुत्व शब्द हिंदुओं के आचार विचार, हिंदू होने के गुण, हिंदू धर्म के भाव से जुड़ा है। लेकिन हिंदुत्व क्या है, इसकी राजनीतिक विचारधारा के तौर पर व्याख्या सावरकर ने अपनी किताब हिंदुत्व में की है। हालांकि कुछ लोग तर्क देते हैं कि हिंदू एक जीवन शैली है जो समावेशी है और वसुधा कुटुंबकम पर आधारित है। हिंदू एक पहचान है, जीने का तरीका है। वहीं आरएसएस के सह सरकार्यवाह मनमोहन वैद्य ने इसी संबंध में 2019 में एक लेख में लिखा था कि हिंदू या हिंदुत्व होना सभी भारतीयों की पहचान बन गया। आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार ने इस हिंदुत्व को सभी भारतीयों के बीच एकता की भावना को जगाने के लिए एक माध्यम बनाया। उन्हें उनकी जाति, क्षेत्र, धर्म और भाषा से ऊपर उठाकर एक दूसरे से जोड़ा। पूरे समाज को हिंदुत्व के इस सूत्र से बांधकर संगठित कर रहा। संघ विचारक राकेश सिन्हा अपने एक लेख में कहते हैं कि हिंदू अस्तित्व की पहचान है कि आप अपनी आस्था से, जन्म से, मन से हिंदू हैं। लेकिन अपनी पहचान के प्रति सजग होना और उसके प्रति चेतना का विकास होना हिंदुत्व है। बीजेपी सिर्फ हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीकों को लेकर नहीं चलती, बल्कि आक्रामक तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे पर खड़ी नजर आती है। राम मंदिर के मुद्दे से लेकर मथुरा और काशी तक का बीजेपी ने ना सिर्फ अपने भाषणों में जिक्र किया है, बल्कि अपने घोषणा पत्रों में भी शामिल करती है। बीजेपी को दूसरी पार्टियों से अपने आप को अलग दिखाने के लिए हिंदुत्व के एजेंडे पर आक्रामक चलना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उस समय सभी दल मुस्लिम वोटों के लिए सेकुलर पॉलिटिक्स कर रहे थे। ऐसे में बीजेपी ने हिंदुत्व को एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। बीजेपी ने हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को धार देने के लिए हिंदू धर्म के प्रतीकों का बखूबी तरीके से इस्तेमाल किया है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकालकर घर घर इस मुद्दे को पहुंचाया,
तो पीएम मोदी ने बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी को कॉरिडोर का निर्माण करवा कर सवारा। इसके अलावा गाय और धर्मांतरण को लेकर बीजेपी हमेशा से मुखर रही है। इस तरह बीजेपी ने खुद को हिंदू परस्त पार्टी के तौर पर स्थापित किया है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में एक भी मुस्लिम को विधानसभा और लोकसभा का टिकट नहीं देती। कांग्रेस ने अपने राजनीतिक एजेंडे में बड़ा बदलाव किया है। बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व के जवाब में सॉफ्ट हिंदुत्व का राह पर चलती दिख रही है। कांग्रेस कई राज्यों में सॉफ्ट हिंदुत्व पर फोकस कर बीजेपी के सामने राजनीतिक चुनौतियां खड़ी कर रही। गुजरात से कांग्रेस का शुरू हुआ सॉफ्ट हिंदुत्व का कारवां राज्य दर राज्य आगे बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में सॉफ्ट हिंदुत्व का प्रयोग कर चुकी है, जहां राहुल गांधी मंदिर मंदिर जाकर माथा टेक रहे थे और पूजा अर्चना कर रहे थे। यही नहीं, खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण भी बता रहे थे। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक देश के अलग अलग शहरों में मंदिरों में पूजा अर्चना करते नजर आए। यूपी में प्रियंका गांधी ने प्रयागराज के हनुमान मंदिर से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करती हुई दिखती हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस खुलकर हिंदुत्व की सियासत करती नजर आई थी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुले मंच से नारा लगा रहे थे, बजरंग बली तोड़ दे दुश्मन की नली। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने राज्य में हनुमान मंदिर बनाने का वादा चुनाव में किया। इसके लिए एक विशेष बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो हनुमान मंदिर के निर्माण और उसकी देखरेख सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी राज्य के विभिन्न हिस्सों में नए हनुमान मंदिर के निर्माण को प्राथमिकता देगी। वहीं राजस्थान में भी कांग्रेस की गहलोत सरकार नरम हिंदुत्व की राह पर चल रही है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।